हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे, कुछ अपडेट्स आ रहे हैं यूएई विजिट वीज़ा और कुछ अपडेट्स आ रहे हैं यूएई वर्क वीज़ा से रिलेटेड। दोनों के बारे में इस वीडियो में बताऊंगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, फेक विजिट वीज़ा को लेकर मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी कि बहुत ज़्यादा अगर आपके होम कंट्री से आप लोग विजिट वीज़ा ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा फेक विजिट वीज़ा इस समय पे आ रहे हैं, तो बेटर है कि अवॉइड कीजिए। लेकिन आज जो अपडेट आ रहा है वो ये आ रहा है कि यूएई के एयरपोर्ट से इतने सारे लोगों को क्यों वापस भेज दिया जा रहा है, क्या इसका रीज़न है। तो देखिए, अगर आप यूएई के लिए आ रहे हैं और विजिट वीज़ा में आ रहे हैं और अगर आप ये प्रूफ नहीं कर सकते कि आप एज ए टूरिस्ट आ रहे हैं, एक महीना दो महीना आप एज ए टूरिस्ट यहाँ पर रहने वाले हैं और फिर आप वापस चले जाएंगे, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, यानी कि जिनकी उम्र लगभग 20 से 27-28 साल की है, उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो रहे हैं और उनको वापस भी भेजा जा रहा है। अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, कल की वीडियो में मैंने बता दिया कि विजिट वीज़ा में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कितने पैसे होने चाहिए, यहाँ पे रहने का डिटेल आपके पास होना चाहिए, तो एज ए टूरिस्ट अपने आप को अगर आप प्रूफ नहीं कर सकते हैं या आपके डॉक्यूमेंट से शो नहीं होता है तो आपको वापस भेजा जा सकता है। इस समय पर बहुत ज़्यादा वापस भेजा जा रहा है, ठीक है। सेकेंड चीज़ ये हो गया कि बहुत लोग क्या कर रहे हैं इस समय पर कि अपने फैमिली वालों के साथ वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं ताकि उनका विजिट वीज़ा आ जाए, लेकिन जब वो ट्रैवल कर रहे हैं तो सिर्फ अकेले ही ट्रैवल कर रहे हैं। ऐसा भी बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका विद फैमिली वीज़ा अप्लाई हुआ है तो उसके सारे डिटेल्स यूएई के सिस्टम में हैं। आपके होम कंट्री से आपको छोड़ा जा सकता है कि आप 4 वीज़ा 5 वीज़ा 6 वीज़ा आपने अप्लाई किया था फैमिली के साथ, लेकिन आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन यूएई आपको एंट्री करने नहीं देगी ऐसे में, क्योंकि फैमिली वीज़ा जो है बहुत इजीली अप्लाई हो जा रहा है और आ भी रहा है। लेकिन अगर आप अकेले ट्रैवल करते हैं तो आपको मुसीबत का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। देखिए, आगे छुट्टियाँ आने वाली है, ऑलरेडी ईद उल अज़हा की छुट्टी आने वाली है, तो आपको अभी आना है, बहुत अर्जेंट है। जॉब मार्केट भी उतना कुछ अभी है नहीं, वीज़ा रिजेक्शन बहुत ज़्यादा है, वर्क वीज़ा रिजेक्शन, तो अगर आप ऐसे करके आ रहे हैं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपके पैसे जायज़ होंगे, आपके समय जायज़ होंगे। अगर आप नहीं प्रूफ कर सकते हैं तो आपको वापस भेज दिया जाएगा। ये विजिट वीज़ा से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट था। अब बात कर लेते हैं वर्क वीज़ा से रिलेटेड। तो वर्क वीज़ा जो है वो भी इस समय इंडियंस, पाकिस्तानीज, बांग्लादेशीज और श्रीलंकन्स का बहुत ज़्यादा वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है। पिछले 2 दिन का मैं अपडेट आप सबको बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा वीज़ा रिजेक्शन है दुबई, अबू धाबी, शारजा, तीनों जगह के, ठीक है। सिस्टम में प्रॉब्लम है, क्या है कोई नहीं बता पा रहा है, लेकिन वीज़ा रिजेक्शन जिसके जिसके भी अप्लाई, आधे लोगों के तो अप्लाई ही नहीं हो रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूँ, आधे से ज़्यादा लोगों के अप्लाई नहीं हो पा रहे हैं। जिनके अप्लाई हो भी रहे हैं, मान लीजिए एक कंपनी में 5-6 वीज़ा ही वो लोग अप्लाई कर पा रहे हैं, तो 1-2 को ही अप्रूवल मिल रहा है, बाकी 4-5 को नहीं मिल रहा है। तो ऐसा सिनेरियो इस समय पे हो गया है। कंपनीज़ को जो है डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी को मेंटेन करना है, उस हिसाब से वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। हर कंपनी का अपना अलग सिस्टम होता है। जैसे ही कंपनी वीज़ा अप्लाई करने जा रही है, जो PRO है वो वीज़ा अप्लाई करने जा रहा है कंपनी के स्पॉन्सर से, अगर उसमें उस कंपनी में उतने ज़्यादा नेशनल्स, मान लीजिए आप पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान के ऑलरेडी 5 बंदे वहाँ पर मौजूद हैं और उनका कोटा ख़त्म हो गया, तो आपका वीज़ा वहाँ पर नहीं लगेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। ये स्किल्ड कैटेगरी के लिए भी है, अनस्किल्ड कैटेगरी, अनस्किल्ड कैटेगरी की तो हालत बहुत ख़राब है इस समय पर, नहीं लग रहे हैं वीज़ा, लेकिन स्किल्ड कैटेगरी का जो लग रहा है वो, उसमें भी ये प्रॉब्लम अब आ गई है कि अगर आपका कोटा फुलफिल हो गया है आपके कंपनी का, आपका वीज़ा किसी भी हालत में नहीं लग सकता है। और इसके रिजल्ट में क्या हो रहा है, लोगों को विजिट वीज़ा में काम कराया जा रहा है और फिर यही विजिट वीज़ा में काम कर रहे हैं लोग करके ही एयरपोर्ट में इतना ज़्यादा चेक हो रहा है विजिट वीज़ा। तो सारी चीज़ें सर्कुलेशन में चल रही हैं, ये प्रॉब्लम है। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट था, इसलिए सोचा कि आप सबके साथ शेयर कर दूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।